वैसे तो आयरलैंड में स्नोफॉल बहुत कम होती है, साल में एक या दो बार ही होती है, और इस बार स्नोफॉल हुई है, दूसरी वाली स्नोफॉल। पहली स्नोफॉल दिसंबर में हुई थी और दूसरी स्नोफॉल हुई है कल रात को, और आज है 10 मार्च 2023 और मैं इस समय हूँ टिकनॉक माउंटेन्स पे। हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी इस एक और नई वीडियो में जो कि हो रही है डबलिन आयरलैंड से। इस समय मैं हूँ टिकनॉक माउंटेन्स में जो कि डबलिन माउंटेन के ऊपर आता है। नीचे आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है डबलिन शहर और मैं कुछ लगभग 5-6 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए ऊपर की तरफ आया हूँ और यहाँ पर चारों तरफ स्नो है क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। इतना स्नोफॉल हुआ है कि जो सारे पेड़ हैं, सारे यहाँ पर जो जगह है, सारे माउंटेंस, इवन पीछे की तरफ जो और माउंटेंस हैं वो सब बर्फ़ से ढक चुके हैं। इवन नीचे जो सिटी है, सिटी सेंटर में भी स्नोफॉल हुआ है। सिटी सेंटर में स्नोफॉल तब होता है जब माउंटेंस पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तब। तो ये कुछ यहाँ का ऐसा नज़ारा है, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि यहाँ पर कैसा होता है। तो आप देखिए, यहाँ से मैं आपको सिटी के नीचे का व्यू भी दिखाता हूँ कि कैसा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से आपको सिटी का पूरा व्यू आ जाता है। अगर हम इस तरफ देखें तो ये है पूल बैग लाइट हाउस और ये है होथ, ये है इधर डन लेरी, नीचे की तरफ डबलिन 18 कैरिक माइंस का एरिया है और इधर एक ब्रिज है ये वाला, ये है डनरूम शॉपिंग सेंटर। और अगर हम सीधा देखें इस तरफ में, इधर पूरा सिटी का व्यू आ जाता है। ये है स्पायर, सी सिटी सेंटर वेयर आई लिव। सो यहाँ से पूरा सिटी का व्यू आ रहा है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतना ऊपर जो मैं आया, पहले मैं सोच रहा था ऊपर आऊँ कि ना आऊँ, पर ये वर्थ इट था क्योंकि यहाँ से आकर कुछ अलग ही अमेजिंग व्यू आ रहा है और मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैं डबलिन में ही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी हिल स्टेशन पे गया हूँ किसी और कंट्री में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इवन देखो कितनी ज़्यादा स्नो है, मेरे जूते दस गए अंदर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। काफ़ी ठंड थी रात को, जब तक स्नोफॉल नहीं हुआ था ठंड ज़्यादा थी, बट स्नोफॉल के बाद ठंड कम हो चुकी है। इवन अभी धूप निकल रही है, आप देख सकते हो मेरे पीछे सूरज की कितनी रोशनी आ रही है। और ये है टिकनॉक माउंटेन्स का टॉप, यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेल्स हैं जो कि आप ट्रैक कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। वापसी में मैं नीचे जाते हुए दिखाऊंगा कि मैं कैसे चढ़ के आया था, क्योंकि पहले मैं आ रहा था ऊपर तो मैंने शूट नहीं किया था, पर अभी वापसी जाते हुए मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ऐसा रास्ता है बीच में बना हुआ है और नीचे ऐसे चलते हुए जाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे वापस से जिस रास्ते से आया था उससे। तो आप देखिए कि कैसा रास्ता है ये पूरा ट्रैकिंग का, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पर जम चुकी है और पिघलने भी लगी है, नीचे से पानी जा रहा है, तो रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट थ्रिलिंग है, मज़ा आता है। ट्रैकिंग तो ऐसे ही होती है। ये देखें कैसा रास्ता है जिससे मैं जा रहा हूँ वापस, पूरा पेड़ों के बीच में से, जंगल में से पूरे पेड़ पे वापस आ गया, बट दैट्स ओके, इसमें भी अपना मज़ा है। तो काफ़ी नीचे आ चुका हूँ मैं अभी और यहाँ से सिटी भी बहुत पास दिख रही है, कुछ ऐसे दिख रही है। तो अभी और थोड़ा नीचे जाना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैं जंगल के रास्ते भी आया और यहाँ बर्फ़ के रास्ते भी आ रहा हूँ, पीछे देख ही रहे कितनी बर्फ़ है। और रास्ता कुछ ऐसा है जाने का जो हम जा रहे हैं इधर से, और ये मेरा एक दोस्त है जो कि मुझे गाइड कर रहा है। काफ़ी अच्छे से हमने ये किया है, बस क्योंकि बर्फ़ है तो ऑब्वियसली थोड़ी मुश्किल तो होती है, और मैं बर्फ़ वाले शूज़ नहीं पहन के आया था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना ऊपर ट्रेल करता हो जाऊँगा, बट आई मेड इट एंड आई एम ओके। बट लकीली मैं अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के आया था
और सॉक्स वगैरह ढंग से पहन के आया था, बट शूज़ पूरे बर्फ़ में हो चुके हैं। ये देखिए कैसे पूरे बर्फ़ में हो चुके हैं शूज़, और नाक बहने चालू हो गई है। पर जो ये व्यू है वो वर्थ इट रहा इतना ऊपर आने के लिए। तो देखिए यहाँ से सिटी बनेक्स में मैं अगर दिखाऊँ तो कितनी सुंदर लग रही है, और यहाँ से ये ऊपर जो मैं गया था इधर ऊपर अभी आपको दिखेगा नहीं, और ये पेड़ों पे पूरी बर्फ जमी हुई है। तो कैसा लग रहा है आपको? तो डबलिन में मैंने जो आपको ये बर्फ का स्नोफॉल का व्यू दिखाया है, ये कैसा लग रहा है आपको आप बता सकते हो। बाकी मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ आयरलैंड से रिलेटेड, यहाँ की पढ़ाई से रिलेटेड, यहाँ के लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो आप वो देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और आपको क्या जानना है, कुछ जानना है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने आयरलैंड क्यों चूज़ किया था आने के लिए। इसका एक रीज़न ये भी था कि यहाँ की वेदर कंडीशन एक्सट्रीम नहीं होती है, जैसे स्नोफॉल हुई तो साल में एक दो बार स्नोफॉल होगी तो वो आपको एक एक्साइटमेंट लेके आती है, बट अगर रोज़ होगी कनाडा की तरह तो कनाडा में लोग बहुत परेशान रहते हैं काफ़ी सारे एक्सट्रीम वेदर की वजह से, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, इतना एक्सट्रीम नहीं होता, बस बारिश ज़्यादा होती है वो मैनेजेबल होती है। तो अभी चलते हैं नीचे। तो अभी हमने चढ़ाई और उतराई का रास्ता पूरा कर लिया है, ये फ्लैट ही है लगभग, ऐसा सीधा सीधा हम जाएंगे आगे की तरफ और फिर हम पहुंच जाएंगे, ये पूरा ऊपर थे और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, बहुत ही फ़नी चीज़ है। मैं जब यहां आ रहा था आज तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऊपर ट्रैकिंग करने जाऊँगा, तो मैं अपने साथ ले आया था अपना स्कूटर, आपको दिखाता हूँ अभी, साथ अपना ये स्कूटर ले आया था जो कि मुझे यहाँ पर कहीं छिपाना पड़ा, तो छिपा के फिर मैं ऊपर ट्रैकिंग करने गया। तो अभी मुझे घसीटते हुए लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं इसको चला नहीं सकता हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने कर दिया था यहाँ पर, तो स्कूटर ले आया मैं बर्फ़ में। तो यहाँ पर मेरा ये ट्रेल फिनिश होता है और मेरी जो ये टिकनॉक माउंटेंस की जो ट्रैकिंग थी वो फिनिश हो रही है यहीं पर। ये पीछे जो गेट है यहीं से शुरू होती है ये रेंजेस ये ट्रेल की, और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो ये लिखा भी हुआ है वेलकम टू टिकनॉक, पीछे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से शुरू हुआ था। और मैं अब द हिल पूरा यहाँ से नीचे से आया था और अभी वापस इधर नीचे जाऊँगा, लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे, तो नीचे जाऊँगा वहाँ से फिर बस लूँगा। और ये स्कूटर जो है मेरा ये मैं बस में ही लेके जाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर बस में स्कूटर ले जाना अलाउड है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं आपको दिखा पाऊँगा कि आयरलैंड में स्नोफॉल और यहाँ का आसपास का माहौल कैसा होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।